वेलकम टू कैप्टन एंड डिफेंस। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइज, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर से पहले हम दो बातें कर लेते हैं। आज क्या है, आज वर्ल्ड वाटर डे है। क्या है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। दूसरा, आज 22 मार्च को जनता कर्फ्यू भी है, ये भी आपको याद रखना है। और जो कोरोना वायरस जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, आप सभी लोगों को इससे बच के रहना है। कहने का मतलब है, बचाव ही इसका उपाय है। बाकी कोरोना के बारे में आप सबको पता होगा, खबरों में कोरोना के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताया जा रहा है। तो आप बच के रहे, घरों से बाहर ना निकले और जितना हो सके आप घरों के अंदर ही रहे। चलिए आज का हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है एग्रीकल्चर का है, और आज के वीडियो लेक्चर में हम जेट के लिए, ICAR के लिए, BHU के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो हमारा आधा पार्ट होगा वीडियो लेक्चर का उसमें हम नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे, और जो हमारा आधा पार्ट होगा वीडियो लेक्चर का उसमें हम फलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चंस को हम यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी एग्रीकल्चर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपको सेम वैसे ही करना है जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था। जो हमारे मॉडल पेपर थे उनमें क्या था, मैं क्वेश्चन बोल रहा था और ऑप्शन बता रहा था, वो आप आंसर देते जा रहे थे। तो आप फटाफट आंसर देते रहे, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं आपको आंसर देना है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप आंसर दें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहे और कमेंट लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री का। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, गाय की कौन सी नस्ल डेयरी के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर वन आपको बताना है, ऐसी कौन सी नस्ल है जो डेयरी के लिए उपयुक्त नहीं है, नॉट, ठीक है, नहीं है बताना है। क्वेश्चन पूरा पढ़े, कई बार हम क्या समझ लेते हैं डेयरी के लिए उपयुक्त है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से तो तीन गाय तो हैं बाकी एक नहीं है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़े, कौन सी डेयरी के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए साहीवाल, ऑप्शन नंबर है साहीवाल, ऑप्शन नंबर बी सिंधी, ऑप्शन नंबर बी सिंधी, ऑप्शन नंबर सी नागौरी, नागौरी, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है सभी, सभी। फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या है, डेयरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गाय उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए साहीवाल, सिंधी, नागौरी या डी सभी, फटाफट। तो यहां पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागौरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो नागौरी नस्ल है इसको खेती कार्यों के लिए पाला जाता है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसके जो बैल होते हैं बहुत तेज दौड़ सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, भंडारित अनाजों को कीटों की क्षति से बचाने के लिए उनमें कितने प्रतिशत नमी की मात्रा होनी चाहिए। मतलब जब हम कहने का मतलब है, हमारे जो अनाज हैं, अनाज उसको भंडारित करते हैं तो कीटों से हमें बचाना है, ताकि उनमें दीमक वगैरह ना लगे, खफरा बीटल वगैरह ना लगे, तो उसको हम किस टेम्परेचर पे, मतलब उनमें इतनी नमी होना चाहिए उस नमी पे हम स्टोर कर सकते हैं, वो नमी आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए दूसरे क्वेश्चन का 5%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 15%, ऑप्शन नंबर डी 20%। फटाफट कमेंट करो राइट आंसर क्या है, अनाजों को कितने नमी पर भंडारित करना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10% पर भंडारित करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कीट होते हैं वो नहीं लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में कौन सा कीटनाशी प्रतिबंधित है, भारत में कौन सा इंसेक्टिसाइड प्रतिबंधित है जिस पर रोक लगाई हुई है। ऑप्शन नंबर ए रोगोर, ऑप्शन नंबर ए रोगोर, एंड ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आता है यहाँ पर DDT 89, एंड ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आता है मेटासिस्टॉक्स। फटाफट आंसर कमेंट करें राइट आंसर क्या है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। एंड ऑप्शन नंबर डी है डाइमेक्रॉन। फटाफट कमेंट करें हमारा राइट आंसर क्या है, भारत में इनमें से ऐसा कौन सा कीटनाशी है जिस पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है, जो प्रतिबंध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी DDT 89। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है यहाँ पर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है, सस्य पद्धति में दालें सही व्यवस्थित हो जाती है। सस्य पद्धति में हम दालें जो लगाते हैं ये सही हो जाती है क्योंकि, क्योंकि अब आप क्वेश्चन समझना, ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए कम अवधि वाली फसलें हैं, कम अवधि वाली फसलें
हैं एंड ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है यहाँ पर रोग प्रतिरोधी फसलें हैं, रोग प्रतिरोधी फसलें हैं। फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है लंबी अवधि वाली फसलें हैं, लंबी अवधि वाली फसलें हैं एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास नन ऑफ दीज। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें, क्वेश्चन वापस से दोबारा सुन सकते हैं। सस्य पद्धति में दालें सही व्यवस्थित हो जाती है क्योंकि यह कम अवधि वाली फसलें हैं, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधी फसलें हैं, या फिर लंबी अवधि वाली फसलें हैं, या इनमें से कोई नहीं। यहां पे हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कम अवधि वाली फसलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास गेहूं एक है, गेहूं एक है मतलब गेहूं कौन सी फसल है। ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए नगदी फसल, क्या गेहूं एक नगदी फसल है क्या। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अनाज वाली फसल, अनाज वाली फसल क्या है, एक अनाज है क्या। ऑप्शन नंबर सी है आवरण वाली फसल, आवरण वाली फसल एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है दाल वाली फसल। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे कि ट्रिटिकम एस्टिवम जो गेहूं है एक कौन सी फसल है, नगदी फसल है, अनाज वाली है, आवरण है, दाल है। फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका, ऑप्शन नंबर बी अनाज। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहे, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बिल्कुल करते रहे, सभी क्वेश्चंस का आंसर देते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर गेहूं की समय से बुआई हेतु कितनी बीज दर की आवश्यकता लेनी चाहिए, मतलब गेहूं की सही समय पर बुआई करनी है हमें, बिल्कुल सही समय पर, ना तो आगे ना पीछे, ना मतलब अगेती करनी है ना पचेती करनी है, हमें सही समय पर करनी है, तो उसके लिए बीज दर कितनी लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 75 kg प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी है 100 kg प्रति हेक्टेयर एंड ऑप्शन नंबर सी है 120 kg प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। फटाफट कमेंट करो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। हमें गेहूं की सही समय पर बुआई करनी है, उसके लिए बीज दर कितनी लेंगे। आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका जेट का एग्जाम हो, ICR का हो, पेट का हो, BHU का हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए ये जो क्वेश्चंस है मोस्ट इंपोर्टेंट है। फटाफट कमेंट करो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 kg प्रति हेक्टेयर गेहूं की सही टाइम पे बुआई के लिए बीज दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन आता है धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी है, धान के जो प्रमाणित जो बीज होते हैं उनके लिए पृथक्करण दूरी कितनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मीटर में बात करूंगा 8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 4 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 25 मीटर। फटाफट कमेंट करो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। धान के प्रमाणित बीजों के लिए पृथक्करण दूरी तो कितनी रखते हैं, 3 मीटर रखते हैं, कितनी रखते हैं 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निरोगी अनाज है, मतलब निरोगी अनाज किसको बोला गया है, कहने का मतलब है जिसमें कोई रोग नहीं लगता है। तो निरोगी अनाज आप लोगों को बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे मक्का मटर चावल, ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी मटर, ऑप्शन नंबर सी चावल एंड ऑप्शन नंबर डी चना ग्राम। फटाफट कमेंट करो राइट आंसर क्या है, क्या बताना है आपको इसमें, निरोगी अनाज बताना है, कौन सा अनाज, निरोगी अनाज। फटाफट कमेंट करो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर चना हो जाएगा, चना, जो चना है इसको निरोगी अनाज बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे लाल सड़न किस फसल का प्रमुख रोग है। सभी बच्चों को आंसर पता होगा, फटाफट कमेंट करें क्या बताना है आपको कि जो लाल सड़न है किस फसल का मुख्य रोग है, रेड रोट। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है मक्का, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है गेहूं एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है चावल। फटाफट कमेंट करो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो लाल सड़न रोग जो है किस फसल का प्रमुख रोग है, गन्ने का। गन्ने में क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप गन्ना खाते हो, सिटी वालों को नहीं पता होगा तो डायरेक्ट जूस पीते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो गांव के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो गन्ना खाते हैं, हो सकता है सिटी वाले भी खा ले, तो जब आप उसको ऐसे चीरते हो तो बीच में से रेड रेड जो दिखाई देता है उस रोग को हम बोलते हैं गन्ने का, लाल सड़न रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर पूसा जय किसान किस फसल की किस्म है।
पूसा जय किसान, पूसा जय किसान किस फसल की किस्म है, किस फसल की वैरायटी बतानी है आपको। ऑप्शन आपके पास है सरसों, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है मटर एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है आलू। आलू सोलेनम ट्यूबरेशम। फटाफट कमेंट करो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, पूसा जय किसान सरसों की किस्म है, किसकी किस्म है, सरसों की किस्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहां पर, वीटावेक्स द्वारा बीजों उपचार से कौन से रोगों का निदान होता है। आप सबको पता होगा वीटावेक्स से हम क्या करते हैं, बीजों उपचार करते हैं, जैसे बाविस्टीन से करते हैं, तो ऐसे वीटावेक्स से बीजों उपचार करते हैं तो इससे कौन से रोगों का निदान होता है। ऑप्शन है लूज स्मट, ऑप्शन नंबर बी रस्ट, ऑप्शन नंबर सी डाउनी मिल्ड्यू, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो कौन से रोगों का निदान होता है, लूज स्मट रोगों का निदान होता है वीटावेक्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोका अनावर्त कंडवा रोग है, जोका अनावर्त कंडवा रोग है। आप सबको पता होगा जो में कौन सा रोग लगता है, अनावर्त कंडवा रोग लगता है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए बहत बीज रहित, कहने का मतलब है बीज जनित एंड ऑप्शन नंबर बी आपके पास है अंत बीज जनित ये बाह्य बीज जनित है या अंत बीज जनित है, ऑप्शन नंबर सी है वायु जनित एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है नन ऑफ दीज। फटाफट कमेंट करो जोका अनावर्त कंडवा रोग क्या बाह्य बीज जनित है या अंत बीज जनित है या फिर वायु जनित है या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर, वायु जनित रोग है अनावर्त कंडवा रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहां पर, DDVP क्या कहलाता है, DD फिर VP क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है नुवान, ऑप्शन नंबर बी मेलाथियन, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है बेपोन, ऑप्शन नंबर डी सेल्फेक्स। तो क्या कहलाता है, बेपोन कहलाता है, डाइक्लोरोविनाइल डाई मिथाइल फॉस्फेट DDVP, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेपोन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर जो मैंने क्वेश्चंस बताए ये नॉर्मल हमारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे। जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में हम दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, एक तो नॉर्मल हमने फसलों से रिलेटेड देखे, अब यहां पर जो सेकेंड जो हमारा इसमें कहने का मतलब है आप इसको पार्ट समझ सकते हो, इसमें मैं फलों से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। किससे रिलेटेड, फलों से रिलेटेड। चलिए देखते हैं, अब हम फलों से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चन नंबर वन आता है, कौन सा फल वर्ष भर उपलब्ध नहीं होता है, वर्ष भर उपलब्ध नहीं होता है बताना है आपको, जो हमें पूरे साल भर नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास यहां पर केला, ऑप्शन नंबर बी चीकू, ऑप्शन नंबर सी अनानास एंड ऑप्शन नंबर डी आम। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें, इनमें से कौन सा फल है जो हमें साल भर नहीं मिलता है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, आम मैंगो मैंजिफेरा इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, नवंबर मार्च में कौन से फल की उपलब्धता भारत में होती है, नवंबर से लेकर मार्च में कौन से फल की उपलब्धता हमारे इंडिया में होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सेब, ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी आम एंड ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है लीची एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है संतरा। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करो, इनमें से कौन सा, कहने का मतलब है अभी जो टाइम चल रहा है ना उस टाइम की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अब आप आंसर दे सकते हो, ऑप्शन आपके पास है, फटाफट राइट आंसर कमेंट करें, इनमें से कौन सा फ्रूट है जो नवंबर से मार्च के मध्य में भारत में अवेलेबल रहता है। तो कौन सा फल है, ऑप्शन नंबर डी संतरा, मोस्ट इंपोर्टेंट। और संतरे का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, तो कहां पर होता है, नागपुर में होता है, कहां पर होता है, नागपुर महाराष्ट्र में। ऐसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कहां पर होता है, झालावाड़ में होता है, और झालावाड़ को छोटा नागपुर भी बोला जाता है। झालावाड़ का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो झालावाड़ है
इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो जिला है वो भी कौन सा है, झालावाड़ है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे, सबसे अधिक फलों का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, क्या बताना है हमें, सबसे अधिक, फटाफट कमेंट करें आप, सबसे अधिक फलों का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, बताना है हमें राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर बी आपके पास है और उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है मध्य प्रदेश। फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या है, सबसे अधिक फलों का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो कौन से राज्य में होता है, हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में होता है। पूरे इंडिया का 22% जो फ्रूट जो प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद में सेकेंड रैंक आती है आंध्र प्रदेश की और आंध्र प्रदेश में 9% होता है। एंड हम बात करें यूपी की तो यूपी में होता है हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्स, इसका कंप्लीट आइडिया मेरे पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कहने का मतलब है यूपी में कितना फ्रूट का प्रोडक्शन होता है आपको ये बताना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे अधिक फलों का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो महाराष्ट्र में होता है 22% और गुजरात की अगर हम बात करें गुजरात तो गुजरात में होता है 6%, कितना होता है 6%। आप एक बार उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का चेक कर ले कि इनमें कितना कितना प्रोडक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त नवंबर माह में कौन से फल की उपलब्धता सबसे अधिक होती है भारत में, कौन सा महीना है, अगस्त से लेकर नवंबर महीना है, इस महीनों में सबसे अधिक कौन सा फल उपलब्ध होता है इंडिया में, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है फालसा एंड ऑप्शन नंबर बी आपके पास है आम एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है लीची एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है मौसंबी। फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, कि अगस्त नवंबर माह में कौन सा फल सबसे ज्यादा भारत में अवेलेबल होता है, फालसा, आम, लीची, मौसमी, तो कौन सा फल उपलब्ध होता है, आम होता है, मेंजीफेरा इंडिका मैंगो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है दिसंबर अप्रैल माह में कौन से फल की उपलब्धता सबसे अधिक होती है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे यहाँ पर, दिसंबर और अप्रैल माह में कौन से फल की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है सेब आम एंड अंगूर और अनार। फटाफट कमेंट करें राइट आंसर, कमेंट करें यहां पर क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, दिसंबर से लेकर अप्रैल में कौन सा फल सबसे अधिक होता है इंडिया के अंदर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे, अंगूर हो जाएगा, विटिस विनिफेरा हो जाएगा। और अंगूर की खेती करना, अंगूर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपका जेट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से राज्य में प्रति हेक्टेयर फलों की उत्पादकता सर्वाधिक है, कहने का मतलब है एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है फलों का कौन से राज्य में होता है, कौन से स्टेट में होता है, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट कमेंट करें, ऑप्शन आपके लिए भी बताता हूं मैं आपके लिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी। फटाफट कमेंट करें कौन से राज्य की, कहने का मतलब है प्रति हेक्टेयर फलों की उत्पादकता अधिक है, तो कौन सा राज्य है हमारे पास यहाँ पर, मध्य प्रदेश में फलों का जो उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन वो सबसे अधिक होता है प्रति हेक्टेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे, भारत में कौन से फल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, भारत में कौन से फल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, मतलब एरिया है। फटाफट कमेंट करें, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है आम, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है सेब, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है केला, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है अमरूद। फटाफट कमेंट करें राइट आंसर। आज मैं आपको फलों के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जेट के एग्जाम के लिए वो सारे के सारे बता दूंगा, बस आप कमेंट करते रहे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहे यार, शेयर करें, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इन सब में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए फटाफट राइट आंसर बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका, आम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में कौन से फल का एरिया सर्वाधिक है, तो कौन से फल का है, आम का है। कितना एरिया है, लगभग
34.8% कितना है, 34.8% में आम का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत में कौन से फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब मैं बात कर रहा हूं उत्पादन की, कि कौन से फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। पहले मैंने क्या पूछा था, एरिया पूछा था, और मेरे तीन क्वेश्चन है, तीनों में कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, तो तीनों याद रखना। पहला क्या है, फलों की उत्पादकता सबसे अधिक कौन से राज्य की है, तो किसकी है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि कौन सा फ्रूट है जो सबसे ज्यादा एरिया में उगाया जाता है, तो कौन सा है, आम है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा फल है जिसका उत्पादन सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है संतरा, एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है पपीता, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है केला। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें, इनमें से कौन सा फल है जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है इंडिया के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये क्वेश्चंस क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ही बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ऐसे आपके जो क्वेश्चन है ये JRF ICR में पूछे जाते हैं, तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को सभी स्टूडेंट को शेयर करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे, भारत में कौन से फल की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो भी किसकी सर्वाधिक है, केले की है। याद रखना प्रति हेक्टेयर अगर पूछा जाए तो किसकी है, केले की है, और अगर स्टेट पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व का कुल फल उत्पादन में कितना हिस्सा है। भारत में जो फल उत्पादन होता है विश्व में कितना हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए 7%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी 50%। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें, कितना हिस्सा है विश्व में, कितना है, 10% हिस्सा है, 10% फल पूरे विश्व का हमारे इंडिया में उत्पादित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, पके हुए फलों को कौन सी गैस निकलती है। पके हुए फलों में से कौन सी गैस निकलती है, जो फल पक जाते हैं तो उनमें से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी इथाइलीन, ऑप्शन नंबर सी मेथेन, ऑप्शन नंबर डी सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पके हुए फलों से कौन सी गैस निकलती है, इथाइलीन निकलती है। और फलों को फुलाने के लिए, सब्जियों को फुलाने के लिए किसका इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। दोनों क्वेश्चन याद रखना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मिथेन किससे निकलती है, धान के खेतों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 1984, एंड ऑप्शन नंबर सी है 1988, एंड ऑप्शन नंबर डी है 1997। फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कहाँ कब हुई है, ठीक है, आपको बताना है, सन बताना है, तो कब हुई है, 1984 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का धनी स्रोत है। यहां पर आपको क्या बताना है कि धनी स्रोत कहने का मतलब है विटामिन सी पाया जाता है। चार फ्रूट आपके लिए यहां पर बताऊंगा, ऐसा ही एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्या बताना है आपको, विटामिन सी बताना है। ऑप्शन नंबर ए अमरूद, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी केला, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें, इनमें से कौन से फल में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अधिकतर जो हमें याद होता है वो क्या याद होता है कि विटामिन सी किसमें पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। अगर यहां पर आंवला ऑप्शन होता तो हमारे पास आंवला राइट हो जाता है, लेकिन आपका जो अभी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें आंवला भी था और बारबेंडेसिस चेरी भी थी, तो वहां पर राइट आंसर क्या था, बारबेंडेसिस चेरी था, जबकि सभी स्टूडेंट्स ने क्या लगाया, आंवला लगाया है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से हमारे क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फल वृक्षों में अकार्बनिक खाद का प्रयोग करने का उपयुक्त समय कौन सा है। हमें हमारे जो फल वृक्ष हैं, फ्रूट वाले जो पौधे हैं, उनमें हमें कौन सी खाद डालनी है, अकार्बनिक खाद डालनी है, तो उपयुक्त समय आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए नवंबर टू दिसंबर, एंड ऑप्शन नंबर बी अगस्त टू सितंबर, एंड ऑप्शन नंबर सी मई टू जून,
एंड ऑप्शन नंबर डी फरवरी टू मार्च। फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हमें फल वाले वृक्षों में अकार्बनिक खाद डालनी है तो सबसे उपयुक्त समय है फरवरी और मार्च का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फलों का लास्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं, जो हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, जैसे मेंजीफेरा इंडिका लिखा, अंगूर का विटिस विनिफेरा लिखा, गावा का सीजियम गुआजावा लिखा, तो किस भाषा में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है यहाँ पर लैटिन, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है फ्रांसीसी, एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है ग्रीक, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है इंग्लिश। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कौन सी भाषा में वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं। तो कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा टॉपिक हमारा है उसको हम क्लियर कर लेते हैं, फ्रूट से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी फ्रूट्स हैं इनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट में होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट हैं उनका यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, करीबन 10-12 फ्रूट है हमारे जो जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, आम। मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिखवा दूंगा। तो आम का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, यूपी में होता है, यूपी। उसके बाद में कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश, एंड उसके बाद में होता है कर्नाटक, कर्नाटक। तीन मैंने आपको बता दिए, तो सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास यहाँ पे, यूपी में आम का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है केला, केला मूसा पिराडेसी का बनाना। तो इसके सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु। इसके बाद में आता है हमारे पास यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर गुजरात। अगर आप नोटबुक लेकर नहीं बैठे हुए हो तो इनको नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मैं बात करूं अंगूर की, अंगूर विटिस विनिफेरा। तो इसका जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र। उसके बाद में आता है ऑप्शन नंबर सेकेंड आता है कर्नाटक, एंड थर्ड आता है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे फ्रूट है हमारे पास यहाँ पे अमरूद, अमरूद। अमरूद की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एमपी, उसके बाद में यूपी में होता है, एंड उसके बाद में बिहार। आगे बढ़ते हैं फ्रूट नंबर 5 लीची, लीची। और लीची का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है बिहार में, कहाँ पर होता है, बिहार में। इसके बाद में वेस्ट बंगाल, एंड इसके बाद में झारखंड, नोट करते हुए जरूर चले। आगे बढ़ते हैं फ्रूट नंबर 6 कटहल, कटहल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो ये कहाँ पर होता है, असम। आगे बढ़ते हैं फ्रूट नंबर 7 हमारे पास है काजू, काजू। तो काजू का कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश, एंड उसके बाद में उड़ीसा। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। आप वीडियो को लाइक करते हुए चले और कमेंट करते हुए जरूर चले। आगे बढ़ते हैं फ्रूट नंबर, वीडियो को लाइक करते हुए चले और कमेंट करते हुए जरूर चले। आगे बढ़ते हैं फ्रूट नंबर 8 आंवला, आंवला। आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, यूपी में होता है, यूपी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन अगला फ्रूट है हमारे पास 9 नंबर पे पपीता, पपीता पपाया। पपीता का कहां पर होता है, पपीता का होता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र। अगला फ्रूट आता है हमारे पास यहां पर नारियल, नारियल। और नारियल का सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में होता है। लास्ट नाशपति, नाशपति। और नाशपति का कहां पर होता है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो हमारे कुछ इंपोर्टेंट फ्रूट्स थे जो मैंने आपको बता दिए कि इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां कहां पर होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आपके लिए कंटिन्यू यहाँ पर 1-2 दिन में, कल से आपके लिए केमिस्ट्री क्लास लग जाएगी और बायो की भी क्लास आपके लिए लग जाएगी। आज क्या है, आप सबको पता होगा पूरे राजस्थान में एक तरीके से जनता कर्फ्यू है, 22 मार्च है आज, और 22 मार्च 23 मार्च 24 मार्च 25 मार्च तक जनता कर्फ्यू रहेगा। और जहां तक आइडिया है लॉकडाउन कर दिया गया है शायद राजस्थान को 31 मार्च तक। तो इस कंडीशन में आपके लिए जो क्लासे प्रोवाइड करवाना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन आपके लिए फिर भी हम यहां पे क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। और हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, आप सबको बचाव करना है, आप घरों से बाहर ना निकले, बिल्कुल आलसी आप बन जाए। जैसे कि पहले सोचते थे कि हाँ यार मैं तो घर पे ही रहूं, तो आप बिल्कुल घर पे रहे, गप्पे मारे घर वालों के साथ, मूवी देखे, गाने सुने, आप वीडियोज़ देखे, आप पढ़े, जो भी आपका मन करे वो करे, लेकिन घरों से बाहर ना निकले। क्योंकि कोरोना वायरस जो है, जहां तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे वहां तक कोरोना वायरस आपके घर नहीं आ सकता, क्योंकि कोरोना वायरस को आपको
लेने जाना पड़ेगा बाहर, और हम ऐसा नहीं करेंगे। तो याद रखें, बच के रहे और मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ करें। मार्केट में बहुत बहुत कम मिल रहे हैं, सब कुछ, कहने का मतलब है इनकी शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो एक ही उपाय है, कोरोना का बचाव ही उपाय है, बच के रहे। और जो आप हाथ मिलाते हो अपने फ्रेंड वगैरह से, ये सब कुछ मिलाना बंद कर दे, बस नमस्कार करें। अगर आपको आपके फैमिली वालों की याद आती है, आप चाहते हो फ्रेंड्स की याद आ रही है, उनसे मिलना है, तो आप ऐसा ना करें। आप डायरेक्ट क्या करें, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, लेकिन मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि कोरोना एक छोटी मोटी बीमारी नहीं है, महामारी है, और इतने तेज़ी से रही है कि इस पे कंट्रोल पाना हमारे लिए अभी थोड़ा सा काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो वायरस है काफी तेजी से फैल रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बच के रहना है। हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, लगी हुई है, रात दिन इसमें मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर वगैरह उन सबका धन्यवाद करें, जो पुलिस कर्मचारी है सब कुछ लगे हुए हैं। कहने का मतलब है, जितने भी अभी प्रेजेंट टाइम पे कोरोना वायरस से हमें बचाने में हेल्प कर रहे हैं, आप उन सबका धन्यवाद करें और बच के रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।